नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैक्टर नगर पे। तो ट्रैक्टर नगर को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिलेंगी। चाहे वो आप फार्मर लेवल पे आप जानकारी चाह रहे हो, या टेक्नीशियन लेवल पे, या फिर इंजीनियरिंग लेवल पे, सारी लेवल की जानकारियाँ यहाँ पे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ट्रैक्टर नगर एक ही चैनल मात्र ऐसा चैनल है, आपको यहाँ पे जानकारियाँ देता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आज बता देते हैं आज जानकारियाँ हमें क्या क्या मिलने वाली हैं इस वीडियो से। तो कुछ फंडामेंटल जानकारियाँ रहेंगी, ठीक है, बेसिक सी जानकारी रहेगी, जैसे कि इंजन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर वगैरह, या फिर जो भी गाड़ी आप चलाते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में। इंजन आखिर होता क्या है, ठीक है। बहुत बार हमसे ये पूछ लिया जाता है, भाई चलो सब कुछ पढ़ चुके हो लेकिन ये हमको बताओ कि इंजन क्या होता है। आखिर इंजन आप बहुत पढ़ चुके हो, इंजन होता क्या है, कुछ डेफिनेशन जरा बता दो। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी हम बता दे रहे हैं इंजन क्या होता है। इंजन की डेफिनेशन यही होती है, किताबों में भी लिखा गया होता है। इंजन जो होता है चलित और अचलित पुर्जों का ऐसा समूह होता है जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी भाषा में यही है भैया, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है हम बताते हैं आपको। ये कहते हैं चलित और अचलित। चलित क्या हो गया और अचलित हो गया। अचलित में वो पार्ट्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, है ना, हेड हो गया, ठीक है, ये सारे स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि मूव क्या क्या होता है, पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, ये सारे जो हैं रोटेशन करते रहे, मतलब मूव करते रहते हैं। सो हम कह सकते हैं चलित और अचलित, है ना, पुर्जों का ऐसा समूह जो केमिकल एनर्जी। अब भाई केमिकल एनर्जी की बात आ गई, केमिकल एनर्जी क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी आपकी पेट्रोल डीजल गैस हो सकती है, ठीक है, इसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और यही केमिकल एनर्जी को जब हम आईएचपी में कन्वर्ट करेंगे, बीएचपी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमको मैकेनिकल वाला चीज पोर्शन लेना है, तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो यही जानकारी थी इंजन के बारे में। अब बात क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, बहुत बारी हम तो पूछ लिया जाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ बगल पे, हमने एक वीडियो भी बनाया था वहाँ पे, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ऊपर वाला जो ये लाइनर दिख रहा है आपको, लाइनर के ऊपर वाले जो हिस्से, टॉप डेड सेंटर जिसको बोलते हैं, यानी जहाँ से पिस्टन, यहाँ से पिस्टन जब ऊपर नहीं जा सकेगा लाइनर से, तो उसको क्या बोलेंगे, टीटीसी, यानी टॉप डेड सेंटर, जहां से पिस्टन ऊपर ना जा सके लाइनर के, उसको हम बोलेंगे टीडीसी। वहीं अगर बात कर रहे हैं नीचे की, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर, यानी कि बीडीसी बोलते हैं उसको, जहां से पिस्टन नीचे और ना आ सके, उसको हम बोलेंगे बीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीडीसी और बीडीसी क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख सकते हैं आपको आप, या कमेंट करके और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ऊपर वालों को टीडीसी और नीचे वालों को बीडीसी कहते हैं। चलिए इतनी सी अब बात करते हैं भैया स्ट्रोक क्या होता है। बहुत करते हैं टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, है ना, लेकिन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्ट्रोक होता क्या है। अगर स्ट्रोक क्या है, ये स्ट्रोक वो होता है कि जो हमने अभी बताया आपको टीडीसी और बीडीसी, जी हाँ, वही टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये टीडीसी हो गया, ये बीडीसी हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जहां से पिस्टन यहां से यहां तक चलता है, उससे ही बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं स्ट्रोक। टीडीसी से और बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही बोलेंगे स्ट्रोक, ठीक है, यही है। चलिए बात करेंगे सिलेंडर या लाइनर की बात करेंगे। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेंडर क्या होता है, लाइनर क्या होता है। हम आपको बता दे रहे हैं सिलेंडर और लाइनर एक ही होता है, आप फिगर में देख सकते हैं इसको, इसी को बोलते हैं सिलेंडर और इसी को बोलते हैं लाइनर, ठीक है। सिलेंडर मतलब कोई भी खोखला बोल सकते हैं, गोल आकार में होगा और खोखला होगा, उसको ही बोलेंगे सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर में एक होता है बोर, आदमी बोलता है कितने बोर का है भाई ये इंजन, मतलब ये इसका सिलेंडर कितने बोर का है, तो बोर आखिर होता क्या है, ये काफी बार हमें पूछ लिया जाता है बोर क्या होता है। बोर हम बता देते हैं, जो इसकी गोलाई होती है, डायमीटर होता है, ठीक है, ये जो आप डायमीटर इसमें देख रहे हैं, इसको ही बोलते हैं बोर, मतलब
डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। अगर सिलेंडर के व्यास को ही क्या बोलेंगे, बोर बोलते हैं, ठीक है। पिस्टन की चौड़ाई को ही बोल सकते हैं बोर, ठीक है। जितनी कुछ और बेसिक चीजें हैं, फ्री प्ले आदमी बोलता है, भाई इसमें फ्री प्ले थोड़ा बहुत रखो, प्ले रखो, प्ले मतलब चाल, थोड़ा बहुत चाल रखो इसमें। वो क्या होता है, मतलब किसी पार्ट का फ्री मूवमेंट है ना, फ्री मूवमेंट, वो कितना हिल डुल सकता है उसको ही बोलेंगे प्ले बोलते हैं, उसको ही क्या बोलेंगे, प्ले बोलेंगे। फ्री मूवमेंट जो होता है पार्ट्स का उसको ही बोलते हैं प्ले, ठीक है। ये प्ले हर चीज में रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है हम आपको बताएंगे जरूर। ये क्लच में भी रखा जाता है, ब्रेक में भी रखा जाता है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील में भी होता है। तो ये फ्री प्ले रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे क्लियरेंस के बारे में। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस होता क्या है, क्लियरेंस मतलब थोड़ा सा गैप है ना, इतना ज़्यादा इसको क्लियरेंस नहीं बोलेंगे। मान लो एक पार्ट से यहाँ, एक पार्ट से यहाँ, इसके बीच को गैप को हम क्लियरेंस नहीं बोलेंगे। मतलब दो पार्ट्स के मिनिमम है ना, मिनिमम बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वो होता है क्लियरेंस, ठीक है। वहीं पे अगर बैकलेस की बात कर लेते हैं, बैकलेस क्या होता है, बैकलेस वो होता है जो गियर होते हैं, फिगर में आप देखेंगे दो गियर दिख रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच के जो फासला है, दूरी है, उसको ही बैकलेस बोलते हैं। ये गियर के बीच में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये बैकलेस ना रखा जाए तो गियर टीथ जो होते हैं टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करने लगेगा। अच्छा, ESP, ISP, BSP में बहुत ज़्यादा अंतर पूछा जाता है कि ISP क्या होता है, BSP क्या होता है। आज आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ISP क्या होगा और BSP क्या होगा। ISP मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इट मीन्स जो पावर हमें सीधा पिस्टन पे मिलती है ना भाई, पावर जनरेट हुई और वहीं पे मिल गई, उसको ही ISP बोलते हैं। लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पाते, हम यूज किसका करते हैं, BSP का, यानी ब्रेक हॉर्स पावर का। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर वो होता है जो इंजन के फ्लाईव्हील पर जो पावर हमको मिलती है ना, उसे ही BSP बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही वीडियो और भी आपकी आते रहेंगे। बेसिक फंडामेंटल इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, आपसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।